जय हिंद, वेलकम टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल संत्यतिनाथ विद्यापीठ एंड यू नो वेरी वेल विद द इंस्पिरेशन ऑफ मैनेजर सर दिस चैनल अचीव ए ग्रेट अचीव ए बिग प्लेटफॉर्म अचीव ए इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज यू नो वेरी वेल दिस वीडियो रिलेटेड टू फेडरलिज्म विच बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड 10th CBSE और UP एंड आवर टॉपिक इज फेडरलिज्म. This video is a part of second. In previous video, we understood the fundamental definition of federalism, characteristic of federalism, and now this video tell you the scope of federalism, the detail in federalism. आप सभी जानते हैं कि ए ब्लडी पार्टीशन एक रक्त रंजित विभाजन के बाद हमारे देश के लोकतंत्र का जन्म हुआ और हमारा इंडिया भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया. लेकिन यह भी आपको जानना होगा कि आजादी के बाद हमारे पास तमाम प्रकार की चुनौतियां थी बिकॉज द सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट पॉजिटिव इन आवर डेमोक्रेसी. हुआ क्या कि आजादी के बाद कुछ प्रिंसियली स्टेट थे, प्रिंसियली स्टेट को हम देसी रियासतें बोलते थे, जो न भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो अलग देश के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे. लेकिन यहाँ पर साधुवाद का पात्र यहाँ पर याद करना, स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनके योगदान से, जिनके अथक प्रयास से यूनिफिकेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, यूनिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री का जो एक टास्क था वो पूरा किया गया. आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीन रियासतें, तीन प्रिंसियली स्टेट, जिसमें J&K, जिसको हाल ही में एक विशेष दर्जा, एक विशेष रूप, जिस रूप की वर्षों से इंतजार थी उस रूप को दिया गया. दूसरा था हैदराबाद, हैदराबाद निजाम वॉज द रूलर ऑफ हैदराबाद. एंड द थर्ड इज जूनागढ़. यानी तमाम प्रयासों के बाद 500 से अधिक देसी रियासतों को एकीकृत कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया. लेकिन उनमें से तीन रियासतें न भारत में मिलना चाहती थी न पाकिस्तान में मिलना चाहती थी. J&K तो जो रूप दिया जाना चाहिए था वो रूप दे दिया गया, लेकिन दो रियासतों का भी अपना इतिहास है. हैदराबाद को यूनाइट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए हमारे मिलिट्री ने एक ऑपरेशन चलाया था, और मिलिट्री जब किसी बड़े टास्क को पूरा करने के लिए अपने शौर्य के साथ, अपने पराक्रम के साथ काम करती है तो एक विशेष ऑपरेशन का नाम दिया जाता है. यहाँ पर एक जनरल नॉलेज का एक सवाल आपका बनता है, ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो बिलोंग्स टू यूनिफाइड द हैदराबाद, और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, हमारे भारतीय जवाजों के माध्यम से हैदराबाद को भी भारत में मिलाया गया. जूनागढ़ पे भी हमारी सैन्य कार्रवाई हुई और तब जाकर के ये दोनों हमारे भारत में एकीकृत हुए. चूंकि भारत एकीकृत हो गया था, लेकिन टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, इसके लिए एक स्पेशल स्टेप उठाया गया. उस स्पेशल स्टेप को हम लैंग्वेज पॉलिसी बोलते हैं. लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब भाषा नीति. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम का भी ये देश है. और इन सभी विविधताओं में एकता स्थापित करने के लिए लैंग्वेज का सबसे वाइटल रोल था, सबसे अहम योगदान था. लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर भाषा नीति बनी, भाषा आयोग का गठन किया गया, और भाषा आयोग ने 22 मुख्य भाषाओं को, देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 भाषाओं को भारत में अनुसूचित भाषा के रूप में, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके साथ भारत में रहने वाले सभी लोगों के संस्कृतियों का, उनके व्यवहारों का और उनके भाषाओं का सम्मान हो, ताकि वो भी लोकतंत्र में आसानी के साथ रह सकें, लोकतांत्रिक सुविधाओं का लाभ ले सकें. भाषा नीति हम पढ़ रहे हैं, और भाषा नीति के दौरान आपको यह भी जानना होगा कि संविधान के तहत, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आवर लैंग्वेज पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 353 और 354, ये दो जो हमारे अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद यह बताते हैं कि हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है. यानी सरकारी व्यवहार के रूप में, सरकारी दफ्तरों के रूप में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है. लेकिन क्या हिंदी ही एकमात्र भाषा है? तो इस पर बहुत गतिरोध था.
इस पर बहुत गतिरोध था और उस गतिरोध को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के डाइवर्स कम्युनिटी को भी साथ लिया गया, यानी सबका साथ सबका विकास के स्लोगन को की पॉलिसी को एडॉप्ट करते हुए हमारे नीति निर्माता हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को भी शामिल किया ताकि सभी लोग लोकतांत्रिक गतिविधियों में आए, सभी लोगों की मान्यताओं का, सभी लोगों की संस्कृतियों का, सभी लोगों के व्यवहारों का लोकतंत्र सम्मान दे और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के इस लोकतांत्रिक यात्रा में देश में सहभाग कर सकें, अपने समाज में सहभाग कर सकें और एक सशस्त्र राष्ट्र का निर्माण हो सके। ये लैंग्वेज पॉलिसी था और आपको ये जानना है कि लैंग्वेज पॉलिसी लैंग्वेजेस सेड्यूल लैंग्वेजेस प्ले ए वाइटल रोल इन आवर फेडरलिज्म इन आवर डेमोक्रेसी। लेकिन इसके बाद जब हम चलेंगे तो हम पाएंगे कि तीसरा पॉइंट हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यू नो वेरी वेल ऑन 2 अक्टूबर 1959 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस ए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट means community government, but our democracy, our federal structure disappointed till 1992. But with the help of 73rd constitutional amendment, 74th constitutional amendment, we create a paramount structure of our federalism. 73rd संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को यानी स्थानीय सरकार को अपलिफ्ट किया गया, उसको और सशक्त किया गया, इंपावर्ड बनाया गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे लोकल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड था। हम इन दोनों अमेंडमेंट के अंतर को भी समझेंगे और यह हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का रूप क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का आधार क्या है और यह किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को, हमारे संघवादी स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, आप समझ सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि क्या अकेले केंद्र सरकार या अकेले प्रधानमंत्री पूरे देश की शासन व्यवस्था को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा आंसर, हमारा रिप्लाई नो होगा, क्योंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। क्या मोदी जी पूरे देश के कस्टम के बारे में, पूरे देश के कल्चर के बारे में जानते हैं? जितना अच्छा वो गुजरात के बारे में जानते हैं, शायद वो उतना अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानते होंगे। और इसी बुनियाद को, इसी बात को आधार बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, सेंट्रल गवर्नमेंट के शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट के रूप में दिया जाता है ताकि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर के रूप में स्टेट के कस्टम्स को, स्टेट की मान्यताओं को साथ लेकर के शासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सके। लेकिन 2 अक्टूबर, जैसा कि मैंने बताया, 1959 में एक तीसरी व्यवस्था शुरू जरूर की गई, लेकिन इस तीसरी व्यवस्था को, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। और यही कारण था कि 73वां यानी 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे नीति निर्माताओं को हमारे संविधान में करना पड़ा। 1992 में लोकल गवर्नमेंट मीन्स आपकी सरकार, आपकी स्थानीय सरकार जो विलेज पंचायत से लेकर के ब्लॉक पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक जाती है, और अर्बन एरियाज की हम बात करें तो वो नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिका होते हुए नगर निगम तक जाती है। इन सभी विषयों को डिटेल में हम पढ़ेंगे और मेरा मानना है कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका फेडरलिज्म जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। आपको पता होना चाहिए कि शासन के दृष्टि से हमारे देश में दो प्रकार की एरियाज, दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण भारत, ग्रामीण क्षेत्र, और एक को हम बोलते हैं अर्बन एरियाज मीन्स शहरी क्षेत्र। शासन की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी लोगों तक जाए उसके नीचे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अंतिम पायदान तक जाए इसके लिए काम करती है लोकल गवर्नमेंट। और ये तीनों सरकारें एक ही व्यक्ति पर एक ही समय में शासन को अंजाम देती है, शासन व्यवस्था को लागू करती है, और मूल रूप से हम इसी स्ट्रक्चर को फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। लेकिन 74वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्थाएं की गई, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। व्यवस्था ये की गई कि
हमारे रूरल इंडिया को तीन सेक्शन में बांट दिया गया। तीन सेक्शन का मतलब, पहला सेक्शन था विलेज पंचायत, दूसरा सेक्शन था ब्लॉक पंचायत और तीसरा सेक्शन था जिला पंचायत। मींस छोटे छोटे ग्राम में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता था और उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम 18 वर्ष से, चूंकि यह उम्र का निर्धारण या जो हमारे वोटिंग राइट्स थे ये 21 इयर्स पे होते थे। 1988 में एक और अमेंडमेंट किया गया और 21 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया। उसके बाद हर एक गांव के लिए अपनी सरकार बनाई गई जिसका मुखिया प्रधान के रूप में जाना जाता है और यह प्रधान ही विलेज पंचायत का रूप होता है, फॉर्मेशन होता है। कई गांव को मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाता है और उसी को ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। ब्लॉक प्रमुख उसका फेडरल इकाई होता है, लेकिन कई ब्लॉक को मिलाकर के एक जिला तैयार होता है और उसी को हम जिला पंचायत बोलते हैं। और ये दिस थ्री ऑर्गन्स रेफर्स टू रूरल इंडिया, रूरल एरियाज बिलोंग्स टू लोकल गवर्नमेंट। हम चलते हैं शहरों में। शहरों में सबसे छोटी इकाई हमारी होती है जिसको हम नगर पंचायत बोलते हैं। अब यहाँ पे आप सभी भी विद्यार्थियों के मन में सवाल हो रहा होगा, सर नगर पंचायत क्या होता है? तो नगर पंचायत किसी शहरी क्षेत्र का वो हिस्सा होता है जिसकी आबादी 1 लाख तक की होती है, यानी 1 लाख व्यक्तियों का वो समूह, वो इलाका जो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है उसको हम नगर पंचायत कहते हैं। 1 लाख से 3 लाख के बीच में जब आबादी जाती है तो उसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में नगर पालिका बोलते हैं। और नहीं सॉरी यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं उसको। द इंग्लिश फॉर्म ऑफ नगर पालिका इज म्यूनिसिपालिटी, और म्यूनिसिपालिटी का आधार होता है 1 लाख से 3 लाख के बीच में। और जब वही संख्या, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नाम आपने सुना होगा, बेंगलोर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, उसको हम MC बोलते हैं, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उनको हम चेयरमैन बोलते हैं। यदि मेल है तो चेयरमैन है, अगर वो फीमेल है तो चेयरपर्सन है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव हेड को हम मेयर बोलते हैं। ये है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट वेयर द मेन रिकमेंडेशन ड्यूरिंग 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑन द टॉपिक, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रूरल गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।